सबसे पहले अपने जिले के विकास में विकास करूंगी और जो भी उनकी दिक्कतें होंगी उनको देखूंगी, लिस्ट बनाऊंगी और जो भी उनका विकास होगा वो सभी करवाऊंगी। सबसे पहले प्राथमिकता मेरे क्षेत्र के विकास में है। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि मैंने जो ये इलेक्शन लड़ा था वो निर्दलीय ही लड़ा था, लेकिन मैंने ये बात साथ तभी कह दी थी जो भी पार्टी मेरे क्षेत्र के विकास में मेरा सहयोग देगी मैं उसी को ज्वाइन करूंगी, और बीजेपी ने मेरा साथ दिया, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, किस तरह का आश्वासन मिला आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? ये मेरे क्षेत्र के विकास में मेरा पूरा सहयोग देंगे, जो जो कमियां होंगी उनको पूरा करने में मेरे साथ रहेंगे, तो ये आश्वासन है। क्षेत्र का विकास प्राथमिकता रहेगी या जिले का विकास? क्षेत्र भी और जिला भी दोनों, क्योंकि मैं तो दोनों ही हूँ। अभी से हाँ जी, हम मेहनत कर रहे थे पूरी, तो ये था मेरे को कि जरूर सर्व समिति बनेगी। जिन्होंने आपको सर्वसम्मति दी है उन्होंने वो तो भाजपा में शामिल नहीं होना चाहते? नहीं, ऐसा किसने बोला? नहीं, जैसे जो कुछ लोग जिन्होंने आपको, सबकी आप अपनी चॉइस है, मैं किसी को थोड़ी ना कह सकती हूँ कि तुम ये करो वो करो, सबकी अपनी पसंद है, मैं किसी को के ऊपर पाबंदी लगा सकती कि उसको करना है इसको करना है। तो उन्होंने निर्दलीय होने के नाते आपको समर्थन दिया? नहीं, ऐसा तो किसी ने मेरे को नहीं बोला कि निर्दलीय होके मेरा समर्थन दिया था या कुछ भी। हाँ जी। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है मेरे पे, ये मैंने अपनी पसंद से चुना है, ऐसा कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। बैठक में कितने आए थे? 14%। हाँ जी जी।